हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हमारे 14 डेज होम क्वारंटीन के हो गए पूरे, तो फाइनल इट्स टाइम टू गो आउट। मतलब हम लोग सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने के लिए बाहर जा रहे, घूमने के लिए बाहर नहीं जा रहे, बट इट्स फाइनली फीलिंग गुड टू गो आउट। लेट्स सी कैसा जाता है बाहर, रोड पे पब्लिक है या पुलिस है, क्या होता है, सब आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। मैंने बहुत टाइम बाद कपड़े पहने बाहर, आई एम सो हैप्पी। अच्छे कपड़े पहन के थोड़े बाहर जा रहे हैं, लग रहा है नाइट ड्रेस में घूम रहे थे इतने दिनों में, नहीं लग रहा है थोड़े से जिंदा है। बाहर जाकर पता चलेगा पुलिस वालों का डंडा, अगर डंडे पड़े तो व्लॉग्स में जरूर आएंगे डंडे। नहीं, हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। फदर ओपन ही है यहाँ पे, एज यू कैन सी काफ़ी सारे लोग हैं, वेजिटेबल और ग्रोसरीज बाय कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आसपास कोई पुलिस वाले नहीं है, पर मास्क ऑलमोस्ट सब लोगों ने पहने हुए हैं हमारे अलावा, क्योंकि हम अभी मास्क लेने जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि सब लोग मास्क पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो हमने वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज ले लिए, एक दो पुलिस की जीप हमें दिखी भी राउंड मारते हुए। अब हम लोग आए दूध और ब्रेड्स लेने के लिए। सो अंजलि, बाहर आके कैसा लगा? मुझे तो सेम ही लग रहा है अभी, पहले खुशी थी, पहले खुशी थी, अब लोग कम है सिर्फ, अभी लोग कम है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लिटरली सारे एक बंदा दूध दिले बाहर खड़ा होगा। हाँ वही, अभी हम जो यहाँ पे आए वहाँ पे अभी बाहर खड़े लोग, अंदर नहीं जा रहे, वन बाय वन अंदर जा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो फाइनली हम लोग आ गए घर पे, आधे पौने घंटे में 1200 रुपये की ग्रोसरी की शॉपिंग करके। ऐसे हमने शॉपिंग की है जैसे कि लग रहा है कि कल कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं बट अच्छी बात, एक्चुअली हम लोग 14 डेज से होम क्वारंटाइन में थे, तो हमारे घर में सामान नहीं था, और किसी को बोले भी तो कितना लाने के लिए बोले, अच्छा नहीं लगता, तो अब ऑलमोस्ट सब लेके आ गए हैं। और अच्छी सबसे अच्छी बात है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे तरीके से अनुसरण कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। एक और हमने 3 जगहों पे मास्क का पूछा, पर कहीं भी मास्क अवेलेबल नहीं है, तो अभी वापस आधे घंटे 1 घंटे के बाद बाहर जाएंगे और देखेंगे कि शायद कि मास्क कहीं पे अवेलेबल हो तो लेके आएंगे हम लोग, क्योंकि मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सब लोगों ने मास्क पहने थे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अगर देखें तो कुछ कुछ एरियाज में ट्रैफिक था, कुछ एरियाज थे वो टोटली बंद थे, जैसे कि हमारे नीचे का जो एरिया वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल स्टोर ही ओपन है, बाकी सभी दुकानें बंद है और लोग भी इतने नहीं दिखाई दे रहे। पर जैसे हम लोग वो वेजिटेबल मार्केट वाले एरिया में गए, वहाँ पे 4-5 शॉप्स भी खुली है, वेजिटेबल मार्केट भी पूरा लगा हुआ है और काफ़ी लोग भी दिख रहे थे, और वेजिटेबल्स वाले पूरे दिन बैठती है, उससे मैंने पूछा आज एक्चुअली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर लेना भी हो तो अर्जेंटली। अरे देखिए हालत, हमारे बैग के सामान बहुत बड़ी है, सामान ही इतना था हमारा कि ये पूरा बैग है वो सहन नहीं कर पाया और टूट गया। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे, क्योंकि कार लेके हम लोग को बाहर जाना है, देखना है कार स्टार्ट हो रही है नहीं, और पेट्रोल पंप अगर खुले मिलेंगे तो उसमें पेट्रोल भी डलवाना है। और मैं 14 डेज बाद चॉकलेट्स खा रही हूँ। सो फॉर्चुनेटली गाइस, गाड़ी फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट हो गई, तो हमने पेट्रोल भी डलवा दिया, अब सिवाय मास्क लेने के लिए, अंजलि गई है मास्क लेने के लिए हम दोनों के लिए, तो इसके बाद हम डायरेक्ट घर जाएंगे, क्योंकि और हम बाहर घूमने के लिए नहीं निकले, सिर्फ एसेंशियल चीज़ें जो हमें लेनी थी वो लेने के लिए निकले बाहर। तो वी डोंट वॉन्ट कि हमारा ब्लॉग देख के लोगों को ये लगे कि हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारा 14 डेज का होम क्वारंटीन खत्म हो गया, तो नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ एसेंशियल चीज़ें लेने के लिए बाहर निकले थे, और सीधा हम घर जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का हमें भी पालन करना है, तो बी अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और जितना हो सके आप घर पे ही रहिए, जो असेंशियल चीज़ें हैं सिर्फ वही लेने के लिए बाहर निकले और बाहर मत निकलिए। और अगर आप बाहर निकलिए असेंशियल चीज़ें लेने के लिए, तो प्लीज़ आप मास्क पहन के बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, के आगे पीछे का जो बंदा है उससे कम से कम आप 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखे, इससे सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और आप बाहर सेफ रहेंगे। तो फाइनली हमने ये तीसरे टेक में किया है, तो हम लोग घर आ गए हैं अभी मास्क लेके। अभी पुलिस वालों ने हमें रोका था और पूछ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हो, हमने बोला कि हमें 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड से बाहर आए, तो मास्क लेने जा रहे हैं और वेजिटेबल्स और ग्रोसरी थोड़ी लेने गए थे, तो उन लोगों ने बोला कि हो सके तो कोई एक ही बंदा बाहर निकले, 2 बंदों के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप लोग भी बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि एक ही बंदा बाहर जाए और सब चीज़ें लेके आए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग हमारे चैनल पर लाइव हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड वी विल सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।